सीएम का मजाक बना दिया है। नवरंगपुर जिला में तैतुली खुटी पुलिस पावर के नशे में अंधे होकर नीति नियम भूल गए हैं। खतरे के कारण राज्य में दैनिक संक्रमण तेजी से बढ़ने पर जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा है। लोगों के पास रोजगार न होने के कारण मध्यवर्ती तथा गरीब लोगों को दो वक्त का खाना ठीक से नहीं मिल पा रहा है। उसी समय लोग कोई जरूरी काम या अस्पताल के काम से निकलने पर शासक पुलिस मासूम लोगों को भगा भगा के हर्जाना वसूल करते देखने को मिला। पुलिस साहब सब सरकारी नियमों को अपने पैरों तले रौंद कर लोगों से हर्जाना वसूल करते देखने को मिला। पुलिस शासक सरकारी नीति नियम के खुल्लम खुल्ला बेपरवाह कर रहे हैं। सर्वसाधारण में सरकार नीति नियम उल्लंघन करते पुलिस बाबुओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होगी? वे जानबूझकर नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर साधारण जनता से हर्जाना वसूल हो रहा है तो पुलिस के ऊपर किस तरह क्या दंड विधान है और क्या हर्जाना है? नवरंगपुर जिला आरक्षी अधीक्षक इस प्रकार का दृष्टांत के कार्रवाई ग्रहण करेंगे, वे सभी जनसाधा देखने को बाकी। R9 भारत के लिए मानस बहेरा की रिपोर्ट। सुवर्णपुर जिला सिंदूरपुर पंचायत में था हैप्पी हैंड फॉर द डेफ नाम का एक स्कूल। उक्त स्कूल को रूरल लाइफ लाइन ट्रस्ट नामक एक संस्थान परिचालन कर रहा है। स्कूल में 30 से भी ज्यादा मुख बधिर व छात्रों को संकेतिक की भाषा से शिक्षा दी जा रही है। स्कूल में पढ़ने के लिए किताब और रहना सब मुफ्त में किया जा रहा है। इसका खर्चा रूरल लाइफ लाइन ट्रस्ट देता है, लेकिन पिछले साल से स्कूल कोरोना के कारण बंद है। यहाँ के छात्र व छात्राएं गरीब परिवार से आने के कारण ऑनलाइन पढ़ाई एक दिवस स्वप्न है। स्कूल एक किराए के घर में चल रहा था, अब किराए के लिए भी पैसा दे पाना संभव नहीं हो पाता है। लखनपुर चढ़ाई के वहाँ स्कूल के आधे बनाए हुए घर को स्थानांतरित किया गया। R9 भारत के लिए रविंद्र होटा की।